Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss about potential and potential difference. So students, पहली चीज हमें ये समझना पड़ेगा कुछ भी लिखने से पहले कि potential और potential difference के अंदर difference क्या है, actual में इन दोनों में words में फर्क क्या है. पहली चीज देखो, क्या आपके कबर्ड में कोई तार का गुच्छा जो भी पड़ा है उसके अंदर करंट चल रहा है? नहीं चलेगा. क्या हार्डवेयर की दुकान पे इतने सारे जो तारों के गुच्छे टंगे रहते हैं उन पे करंट चल रहा है? नहीं चल रहा. क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि उन तारों के टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया. पोटेंशियल या करंट, इससे रिलेटेड हमें कोई भी अंडरस्टैंडिंग अगर चाहिए तो हम वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, फ्लूइड का एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे कि एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर फ्लूइड फ्लो कब करेगा? जब ट्यूब के लेवल में डिफरेंस होगा. विदाउट लेवल डिफरेंस फ्लूइड फ्लो नहीं कर सकता. सिमिलरली विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो नहीं कर सकता. अब एक्चुअल में पोटेंशियल क्या है, आप ये देखिए. एक यहां पे चार्ज मैंने रखे, ये 10, एक बॉडी पे चार्ज का जो अमाउंट है वो है 10, दूसरी बॉडी पे जो चार्ज का अमाउंट है वो है 5. यहां पे 10, यहां पे 5, दोनों पॉजिटिव हैं, डजंट मैटर. हुआ क्या, इन दोनों को मैंने एक वायर से अटैच करवाया, ये रिपल्शन फील हो रहा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में वैसे तो रिपल्शन होता है, और वही रिपल्शन क्या है, इसको धकेलने का कारण, इसको यहां से इस बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने का कारण. क्या कारण है? पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन, और ये रिपल्शन के कारण ये यहां पे ट्रांसफर होने लग जाएंगे. ट्रांसफर हुए, यहां पे 10 थे, यहां पे 5 थे, तो कितने ट्रांसफर होंगे और कब तक ट्रांसफर होगा चार्ज? चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों तरफ के चार्जेस की अमाउंट, दोनों तरफ के चार्जेस की नंबर सेम हो, क्योंकि फिर दोनों तरफ से रिपल्शन होनी स्टार्ट हो जाती है. जैसे कि 5 थे, 2 चार्जेस यहां पे चले गए, कितने हो गए, 2, 4, 6 और 7. यहां पे कितने रह गए, 2 गए ना, कितने रह गए, 2, 4, 6, 7, 7 रह गए. अब ये जो एक चार्ज इसके बीच में बचा, इस चार्ज के ऊपर इक्वल रिपल्शन इसकी भी है, इसकी इक्वल रिपल्शन इसकी भी है. अब ये ना वापस आ पाएगा ना उसके अंदर जा पाएगा, और दोनों की दोनों बॉडीज एक इक्वल पोटेंशियल पे स्टेबलाइज हो चुकी हैं. मींस पोटेंशियल, अब इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा कि एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है किसी. मान लो ये एक वायर थी, पूरी कंडक्टिंग वायर थी, इस वायर के दोनों टर्मिनल पे मैंने इतना इतना पोटेंशियल अटैच करवा रखा था, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल गया एक तो करंट, पहली चीज जो नोट करने की है. दूसरी चीज, कब तक गया, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हुआ तब तक गया. अब पोटेंशियल सेम होने के बाद करंट क्यों नहीं गया, क्योंकि पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो गया. देखो, इसका भी पोटेंशियल भी, इसका भी पोटेंशियल भी, डिफरेंस अगर मैं निकालूं दोनों का जीरो नहीं आएगा. पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, वही वाटर का केस, लेवल डिफरेंस जीरो, लेवल डिफरेंस का जीरो, तो क्या होगा, वाटर थोड़ी ना चलेगा एक जगह से दूसरी जगह पे. सिमिलरली करंट है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं है तो करंट भी नहीं चलेगा. Hence, हम पोटेंशियल की और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं अभी फिलहाल. देखें, जो पोटेंशियल वर्ड है, ये वर्ड एक लोकेशन की, एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, जब वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर हो या फिर चार्ज्ड हो. ठीक है, अगर चार्ज होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी. तो पोटेंशियल, इसके बारे में हमें यही लिखना है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, और लोकेशन इन इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट वही वोल्ट
अब आई बारी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों की एसआई यूनिट वोल्ट ही होती है। ठीक है, बेशक देखो पोटेंशियल की भी एसआई यूनिट वोल्ट, और पोटेंशियल में डिफरेंस जो होगा, टाइम में अगर डिफरेंस होगा तो वो रिजल्टेंट क्या आएगा, टाइम ही तो आएगा। एक जगह पे टाइम है 4 सेकंड, एक जगह पे 2 सेकंड, कितना डिफरेंस है 2 सेकंड का, वो 2 सेकंड का क्या क्या है, वर्णन तो नहीं आया ना, टाइम ही आया है, टाइम ही आया है। तो डिफरेंस करने के बाद, जैसे कि पोटेंशियल की एसआई यूनिट वोल्ट है, ऐसे ही इन दोनों में डिफरेंस करने के बाद एसआई यूनिट बदलेगी तो नहीं, जो डिफरेंस आएगा हमारा वो भी तो एक पोटेंशियल ही आएगा। सो नया जो टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी एसआई यूनिट भी वोल्ट होगी, बट इसकी एक डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होगी। और मैं एक अलग जो लाइन लिखवाऊंगा इसके बारे में, वो है पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से क्या क्रिएट करता है, वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पे पानी चल रहा है, जैसे कि आप भी अपनी ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे पानी चढ़ाते होगे, है ना, टंकियां रखी होगी ऊपर घर पे, वो पानी कैसे चढ़ रहा है मोटर से, मोटर क्या क्रिएट करवा रही है, प्रेशर, प्रेशर के कारण मोटर चढ़ रहा है ना। सिमिलरली एक जगह से दूसरी जगह पे करंट क्यों जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रेशर हम एग्जर्ट करवाते हैं। कैसे एग्जर्ट करवाते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस में क्या है, एसी जनरेटर, जनरेटर क्या करता है, जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है ना। वो पोटेंशियल डिफरेंस आपने इलेक्ट्रिक एसी जनरेटर की वर्किंग भी पढ़ रखी होगी अपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर, है ना। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम ऐसा ही कुछ पोटेंशियल डिफरेंस की एक डेफिनेशन तैयार करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इट इज, पहले तो यही लिखेंगे, इट इज सिमिलर, और वी कैन से दैट इट इज एन इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर ड्यू टू विच चार्जेस मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर चार्जेस का मोशन हो रहा है, मतलब वहां पे उस पॉइंट पे क्या है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल का डिफरेंस है। और वी कैन से दैट अनदर फॉर्म, डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, और वो दोनों पॉइंट कैसे होने चाहिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इंफ्लुएंस में होने चाहिए, पॉइंट्स इंफ्लुएंस इन इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। देखें, बिल्कुल आसानी से डेफिनेशन बनानी है, कुछ भी चीज याद नहीं करनी है आपको, ठीक है। अगर आप याद करने लग रहे हो साइंस में तो आप मूर्ख हो, आपको साइंस पढ़ना ही नहीं आता। साइंस के अंदर कोई भी चीज याद नहीं करी जाती, ठीक है। साइंस में सारी चीजें सिर्फ समझनी होती हैं, समझ लो, उसकी डेफिनेशन खुद बनाओ, जरूरी नहीं है ये डेफिनेशन बनाओ, ठीक है। जो भी बुक्स वगैरह हैं, ये किसी भगवान ने नहीं लिख रखी है ना, किसी आदमी ने ही लिखी है। मीन्स आप बुकिश लैंग्वेज पे इतना फोकस कर देते हो कि आप भूल जाते हो कि आप साइंस पढ़ रहे हो। अच्छा स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस में अब पोटेंशियल डिफरेंस का एक मैथमेटिकल फॉर्म भी पढ़ेंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली मैथमेटिकल फॉर्म क्या होना चाहिए। अभी अभी हमने क्या किया, देखो हमने चार्जेस का मोशन करवाया एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, ऐसे किया था ना, एक बॉडी पे बहुत सारा चार्ज है, एक बॉडी पे थोड़ा कम चार्ज है, तो दोनों बॉडीज के अंदर क्या हुआ, चार्जेस का मोशन हुआ। तो वो जो भी चार्जेस का मोशन हुआ, उस मोशन में कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हुई होगी, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, वो वर्क डन, और
यूनिट चार्ज का रेशियो या चार्ज का रेशियो मीन्स वर्क डन डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल पोटेंशियल होता है। और अगर पोटेंशियल का डिफरेंस करना है तो आपको पता ही है फिर दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस नेगेटिव माइनस कर दो है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो बेसिकली पोटेंशियल की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है कि इट इज रेशियो ऑफ वर्क डन टू दी टेस्ट चार्ज। दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स एसआई यूनिट इसकी वोल्ट होती है, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कोई भी नई क्वांटिटी आए ना उसकी यूनिट की डेफिनेशन जरूर याद करो। जैसे कि एम्पियर, वन एम्पियर मैंने आपको सिखाई थी, वन एम्पियर इज व्हाट इफ वन कोलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर वन सेकेंड है ना फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया देन द करंट इज सेड टू बी वन एम्पियर। सिमिलरली इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है वोल्ट। तो डिफाइन वन वोल्ट, ये तो जरूरी है पढ़ना, डिफाइन वन वोल्ट। वन वोल्ट क्या होगा, देखो हर फॉर्मूले में हर एक चीज वन वन पुट कर दो, जैसे कि दिस वन एंड दिस वन। वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। सो इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, वन कूलम्ब, ठीक है। इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ वन कूलम्ब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज, जो भी क्या क्रिएट कर रहा है, पोटेंशियल ऑफ वन वोल्ट, ठीक है। सो पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, इट इज, और ऐसे इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज ऑफ वन कूलम्ब बिटवीन टू पॉइंट्स कॉल्ड पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, हाँ, या गिव्स पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स वन वोल्ट, गिव्स वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, डेफिनेशंस एज इट इज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेशंस आप खुद बनाएं, जितना समझोगे एक एक टॉपिक को खुद आप डेफिनेशन बना पाओगे। एक टॉपिक को समझ के तो देखो, हाँ, खुद से कुछ भी डेफिनेशन बनाओ, बट आपकी डेफिनेशन का सेंस वही निकल के आना चाहिए। एग्जामिनर को आपको ये समझाना है कि आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी टॉपिक में डाउट आए इस वीडियो से रिलेटेड या प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।